इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में एक कार शोरूम कोई नॉर्मल कार शोरूम नहीं है, क्योंकि यार इस कार शोरूम के अंदर है एक सीक्रेट बटन जिसको दबाने के बाद रियर में गेम के बाहर कैसे आ गए और यहाँ पर इविल नन मोड और रिमार मीट मोड, चलो क्लिक करते हैं। गाइस यार मेरे को पता चला है कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में एक है सीक्रेट बटन जिसको दबाने के बाद कुछ न्यू मोड्स ऐड हो जाते हैं हमारे गेम के अंदर। वेट गाइस मेरे फोन पर किसी का मैसेज है, रुको यार फोन निकाल कर देखते हैं। ये क्या है यार, इसमें तो कुछ लिखा हुआ है कार शोरूम के अंदर एक सीक्रेट बटन है जिसको दबाने के बाद खुलेंगे कुछ सीक्रेट मोड, बट इस बटन को स्पॉन करने के लिए कुछ मिशंस को कंप्लीट करना होगा। चलो यार ये तो मेरे को पता चल गया कि वो बटन कार शोरूम में ही है, बट गाइस यार मेरे को कैसा मिशन मिलने वाला है, कैसा भी मिलेगा यार, मैं तो कंप्लीट करने के लिए रेडी हुई, क्योंकि यार मेरे को खेलना है कोई न्यू मोड। एनके जीरो कुछ दिनों में मेरे को मिशन भी मिलने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड ये लो यार मेरे को मिशन भी मिल चुका है। चलो यार चल करके देखते हैं कि क्या यार, इसमें तो एक रैंप दिखा रहा है लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि नीचे से रैंप के ऊपर फोर व्हीलर को लेकर के जाओ। क्या यार इस रैंप के ऊपर फोर व्हीलर को लेकर के जाना है? अरे यार बाइक से तो परफेक्ट लैंडिंग जल्दी होती है नहीं, लेकिन यार कार को लेकर के जाना है ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट होने वाला है। मैं ये सब देखकर हार थोड़ी ना मान जाऊंगा, मेरे पास है फॉर्च्यूनर, तो चलो यार अपने फॉर्च्यूनर को लेकर के चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि इसको कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो कुछ देर में हम आ जाते हैं इस रैम के नीचे, तो चलो यार इसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, शायद यार इसके ऊपर पहुंच जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो मैंने तो यहां से दौड़ा दिया, अब देखना है कि इसके ऊपर लैंडिंग होता है या फिर नहीं। तो नहीं यार ये क्या हो गया, यहां पर तो लैंडिंग हुआ ही नहीं, मैं तो यार वापस ऐसे ही आ गया यार। बट गाइस यार एक बार में तो बाइक भी नहीं होता है, एक काम करते हैं इसको काफी पीछे लेकर के चलते हैं और फिर देखते हैं यार शायद से इसके ऊपर चढ़ जाए तो यार काफी अच्छा होगा, मतलब कि यार ये मिशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपने गाड़ी को काफी स्पीड से ले जा रहा हूँ, शायद से इस बार उसके ऊपर परफेक्ट लैंडिंग हो जाए तो यार अच्छा रहेगा। लेकिन ये क्या हो गया यार, मेरा फॉर्च्यूनर तो इसके ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। एक काम करते हैं, ऐसे तो होने वाला है नहीं, अपने गाड़ी से उतर करके एक रैंप को इधर मंगाएंगे एंड शायद से यार रैंप से अगर मैं चढ़ाऊ तो उसके ऊपर जा सकता है, लेकिन यार वैसा गारंटी है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रैम को मंगा भी दिया एंड अच्छे से इसको सेट भी कर लेते हैं। अब देख सकते हो यार यहाँ पर रैम सेट करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखने लगा, मतलब कि यार यहाँ से अगर मैं अपने गाड़ी को कुदाऊंगा तो उसके ऊपर जा सकता है। तो बिना देर के चलते हैं, लेकिन एक मिनट यार वहाँ सामने में क्या है, मतलब कि रैम के नीचे मेरे को कुछ दिख रहा है यार, तो चलो फटाफट उसके पास चल करके देखते हैं। ठीक है यार ये तो जेट बैक है, इससे क्या होगा, चलो इसके ऊपर करके देखते हैं। हाँ यार शायद से यार मैं इसका यूज कर सकता हूँ, मतलब कि यार मैं जेटबैक से ऊपर आ जाऊंगा एंड ऊपर आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी कम चांसेस है कि यहाँ पर मैं अपने फॉर्च्यूनर को लेकर आ सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर काफी बड़ा टाइल्स को मंगा करके अच्छे सेट कर लिया, जिससे कि यार यहाँ पर काफी जगह बन चुका है, मतलब कि यार यहाँ पर मैं अपने फॉर्च्यूनर को भी लाऊंगा तो नहीं नीचे गिरेगा। तो चलिए यार फटाफट मैं अपने फॉर्च्यूनर को लेकर के यहाँ से कूदाने वाला हूँ एंड मैं फटाक से यहाँ से कूदा देता हूँ, बट नहीं यार ये क्या हो गया हमारे साथ। और ऐसे ही काफी देर तक नाकाम कोशिश करने के बाद मैं इसके ऊपर नहीं जा पाता हूँ, बट मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टाइल्स को सेट करने के बाद इसके ऊपर फॉर्च्यूनर को खड़ा कर देता हूँ एंड इसको आराम आराम से ऊपर ले जाने लगता हूँ, शायद से यार ये ट्रिक वर्क कर जाए। तो चलो यार इसको आराम आराम से ऊपर ले जाते हैं एंड ऊपर ले जाने के बाद मिलते हैं। तो लोग जर मैं आ चुका हूँ ऊपर में, वो भी फॉर्च्यूनर को लेकर के। यार यहाँ तक आने में काफी ज्यादा मतलब कि यार मेरे को मेहनत लगा है, पर कोई ना यार और उसके ऊपर लेकर के चलते हैं ताकि मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए। ये लो यार हम इसके ऊपर भी आ चुके हैं, अब शायद से मेरे हिसाब से तो यार मिशन कम्प्लीट हो ही जाना चाहिए, तो फटाक से उतर जाते हैं एंड देखते हैं कि यार अगला मिशन क्या है। चलो यार फटाफट फोन ओपन करके गैलरी को भी ओपन कर लेते हैं और ये क्या भाई, ट्रेन टनल के अंदर चलती हुई ट्रेन के पटरी पर फोर व्हीलर में बैठो। क्या यार फोर व्हीलर में बैठना है, वो भी चलती हुई ट्रेन के पटरी पे। भाई यार मैं मिशन कंप्लीट करने के बाद गेम खेलूंगा या फिर ये लोग हमारे साथ अभी ही गेम खेल रहे हैं, यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो कुछ भी वो मिशन है तो कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के पास यानी कि ट्रेन टनल के पास। तो यार मेरे को अपने फॉर्च्यूनर को अच्छे से सेट करना पड़ेगा, कुछ देरों में हम अपने फॉर्च्यूनर को यहाँ पर सेट भी कर देते हैं। तो यार इससे बचने के लिए मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, एक काम करते हैं यार सामने एक रैम
रैम को लगा देते हैं जिससे कि यह ट्रेन ऊपर ऊपर चले जाए। तो चलो यार फटाफट हमने यहाँ पर एक रैम को भी सेट कर लिया जिससे कि यह ट्रेन सीधा ऊपर चले जाए। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्च्यूनर में बैठने के लिए एंड वेट करेंगे ट्रेन के आने का। तो देख सकते हो यार ट्रेन भी इधर से स्टार्ट हो चुकी है लेकिन यार ट्रेन तो ऊपर गई ही नहीं। अब हमारे साथ क्या होने वाला है देखा जाएगा। यार ये क्या भाई ट्रेन तो मेरे को धक्का देने लगी। यार भाई अब क्या होने वाला है, शायद से यार मेरे साथ बहुत ही गलत नहीं हुआ। चलो यार यही चीज तो हुआ बट यार मेरा मिशन शायद से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ट्रेन को पहले जा लेने देते हैं और बाहर निकल करके देखते हैं कि मेरा मिशन कंप्लीट हुआ या फिर नहीं। तो चलो यार मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं कि अगला मिशन क्या होने वाला है। ठीक है यार ये मिशन नहीं है बल्कि कार शोरूम का फोटो दिखा रहा है, मतलब कि यार यहाँ पर स्पॉन हो चुका है वाला बटन। तो चलो यार फटाफट अपने गाड़ी को लेकर के चलते हैं वहाँ पर, शायद यार सच में कोई न्यू मोड्स मिल जाए। तो फटाफट हम आ जाते हैं कार शोरूम पे। गाइस कार शोरूम के अंदर ही वो बटन होना चाहिए। तो चलो यार फटाफट चलते हैं इसके अंदर और अंदर चल के देखते हैं कि वहाँ पर वो बटन आया है या फिर यार मेरे को बेफालतू में इतना मेहनत करवा रहे थे। तो ये देखो यार इसके अंदर सच में आ चुका है वो बटन, देख सकते हो यार यहीं पर है वो बटन। तो एक काम करते हैं फटाफट चल करके इसको दबाते हैं और देखते हैं कि कुछ होता है या फिर नहीं। ये देखो यार मेरा गेम बैक हो चुका है और यहाँ पर इवेंट मोड और एमआर मीट मोड आ चुका है, मतलब कि इन दोनों में से मैं किसी एक को खेल सकता हूँ। चलो यार एमआर मीट खेलते हैं एंड मैं गेम को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। और गेम स्टार्ट करने के बाद यार ये तो नॉर्मल टाइप का ही लग रहा है, मैं तो यार अपने घर में ही स्पॉन हुआ। गाइस यार बाहर चलकर देखते हैं कुछ तो चेंजेस हुआ होगा, लेकिन यार ये तो पूरा नॉर्मल टाइप का ही लग रहा है यार, इसमें तो कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ चेंजेस हुआ होगा। और यहाँ पर उसी टाइप का गाड़ी, मतलब कि यार मेरा फॉर्च्यूनर एंड साथ ही स्विमिंग पूल, यार कुछ तो चेंजेस हुआ है नहीं। काम करते हैं सीढ़ी में चल करके देखते हैं वहाँ पर कुछ तो जरूरी चेंजेस हुआ होगा यार, क्योंकि मिस्टर मिड मोड जो है वेट का, आप लोग देख सकते हो यार बाहर में एक भी एनपीसी या फिर यार कोई भी गाड़ी चल नहीं रहा है, मतलब कि यार यहाँ पर मैं अकेला आया हूँ। बट यहाँ पर तो मिस्टर मिड मोड लग नहीं रहा है क्योंकि यार कहीं पे मिस्टर मिड दिख क्यों नहीं रहा है यार। चलो घूम करके देखते हैं शायद कहीं पे दिख जाए, वैसे तो कुछ फर्क लग रहा है नहीं। बट वेट गाइस मेरे को कुछ तो दिखा, उतर के आप लोगों को दिखाते हैं यार शायद क्या था, आप लोग खुद ही देख लो यार। ओ ये क्या भाई यहाँ पर मिस्टर मीट है बट यार बिल्डिंग में कर क्या रहा है भाई, मेरे को देखना ले भाई साहब, देख लिया फटाफट से भागो यार। अरे अरे तो सच में मिस्टर मीट मोड है यार, पटाख से निकलते हैं लेकिन यार मेरे फोन में कुछ तो आया। चलो यार मैं मिस्टर मीट से काफी दूर आ चुका हूँ एंड अब देखते हैं अपने फोन को निकाल करके क्या चीज आया है। भाई साहब एक गन का लोकेशन, मतलब मैं इससे मिस्टर मीट को मार सकता हूँ और ये लोकेशन भाई मैंने देख रखा है। चलो यार फटाफट उस रैम की तरफ चलते हैं जिस रैम के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर तो वायलेंस कुछ ज्यादा है, मतलब कि यार बिगड़ रहा है मेरा। अरे जैसे तैसे करके मैं आ जाता हूँ इस रैम के पास तो रुकाते हैं, बट ये क्या हो गया यार, मेरा सच में वायलेंस काफी ज्यादा बिगड़ रहा है। बट वेट गाइस ये क्या है भाई साहब, मिस्टर मीट तो यहाँ पर भी आ गया बट कर क्या रहा है, इससे मेरा क्या फायदा यार। चलो फटाफट चलते हैं इस रैम के टॉप पे क्योंकि यार टॉप पे गन रखा हुआ है। काफी संभालते संभालते मैं इसके ऊपर भी जाने लगता हूँ और कुछ ही देरों के बाद में ऊपर में भी आ जाता हूँ। तो चलो यार यहाँ पर मैं अपने गाड़ी को अच्छे से खड़ा कर लेता हूँ और खड़ा करने के बाद देखेंगे कि यार वो गन है कहाँ पे। तो ये देखो यार ये गन तो यहीं पर है जो कि यार काफी अच्छा है, बट यार पिस्तल है तो इससे मरेगा क्या ये मिस्टर मीट देखा जाएगा। तो गन को हमने उठा लिया एंड चलते हैं यार नीचे। तो चलो अपने फॉर्च्यूनर को लेकर नीचे चलते हैं। लेकिन एक मिनट यार मेरे को कुछ दिखा भाई साहब, यहाँ पर मिस्टर मीट है, फायर करते हैं और इसको मारने का प्रयास करते हैं, मर जाए यार, कितना हेल्थ है तुम्हारा भाई साहब, ये मर गया यार। फाइनली मैंने मिस्टर मीट को मार दिया एंड अब चलते हैं अपने सिटी में। तो आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।